जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन का आठवां नंबर सवाल। आठवां नंबर सवाल क्या है? उत्तल और अवतल दर्पण के तीन तीन उपयोगों को लिखिए, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के तीन तीन उपयोगों को लिखना है। इसका यूज कहां कहां होता है, तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है उत्तल दर्पण के तीन उपयोग। पहले हम लोग उत्तल दर्पण के तीन उपयोग को जान लेते हैं, उसके बाद अवतल दर्पण के तीन उपयोग को जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए, उत्तल दर्पण का पहला उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है, इसमें बड़े वस्तु को छोटे प्रतिबिंब में बदला जाता है। उत्तल दर्पण का एक खासियत है कि बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा कर देता है। उत्तल दर्पण का यह खासियत है। तो चलिए इसका दूसरा उपयोग को जानते हैं। उत्तल दर्पण का दूसरा उपयोग है, मोटर कारों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कारों के साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। मोटर कार यानी मोटरसाइकिल भी हो सकता है या फिर कार भी हो सकता है, तो उसके छोटे छोटे जो मिरर लगे होते हैं साइड में, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी बड़े से बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना देता है। मानकर चलिए कोई मोटरसाइकिल चल रही है या फिर कार चल रही है, ठीक है, तो उसके पीछे बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां होती है। मानकर चलिए बड़ा घर है, तो वो बड़ा घर का एक ही तो प्रतिबिंब अगर उस दर्पण पे बन जाएगा, वो अकेला ही उस दर्पण को कवर कर ले, तो पूरा दर्पण ढक जाएगा, इससे एक्सीडेंट की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए पीछे से आने वाले वाहनों को साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि उत्तल दर्पण एक विस्तृत क्षेत्र भी बनाते हैं। तो चलिए उत्तल दर्पण के तीसरे उपयोग को जान लेते हैं। उत्तल दर्पण का तीसरा उपयोग दूरबीन यानी टेलीस्कोप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का तीसरा उपयोग क्या है कि दूरबीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूरबीन यानी टेलीस्कोप। दूरबीन क्या है ये आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं, तो चलिए अवतल दर्पण को जान लेते हैं। अवतल दर्पण के तीन उपयोग यानी अवतल दर्पण का तीन उपयोग कहां कहां होता है, इसे हम लोग जान लेते हैं। तो पहला उपयोग को देख लेते हैं। अवतल दर्पण का पहला उपयोग, इसमें छोटे वस्तु को बड़े प्रतिबिंब में बदला जाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि छोटे वस्तु को छोटा से छोटा चीज बड़ा करके दिखाया जाता है, यानी छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाया जाता है। यह अवतल दर्पण का खासियत है। तो चलिए इसके दूसरे उपयोग को भी जान लेते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग है, रोगियों के नाक कान और गला के जांच के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करता है। यानी अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर जो है रोगियों के नाक कान गला के जांच के लिए करता है। कैसे? क्योंकि नाक का छिद्र जो है छोटा छोटा है और पतला पतला है, तो उसके अंदर झांकना मुश्किल होगा। तो अगर नाक के अंदर कुछ चीज फंस जाता है या फिर घाव हो जाता है, तो डॉक्टर अवतल दर्पण की सहायता से इसका इलाज करता है। कान में, कान का छेदा भी क्या है, छोटा है पतला है, तो उसको झांकना क्या होगा, कठिन होगा। अगर कान के अंदर कुछ चीज फंस जाता है या फिर उसके अंदर घाव हो जाता है, तो डॉक्टर अवतल दर्पण के द्वारा इसका इलाज करते हैं। या गला के अंदर कुछ चीज खराबी हो गई है या गला के अंदर घाव हो गया है, तो इसका इलाज डॉक्टर अवतल दर्पण की सहायता से करता है। तो चलिए इसका तीसरा उपयोग को जान लेते हैं। अवतल दर्पण का तीसरा उपयोग है, हजामती यानी दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती यानी हजाम यानी नाई सब व्यक्ति का दाढ़ी बनाने में उसका उपयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब अस्पष्ट और क्लियर दिखता है, जिसके कारण हजाम यानी नाई अवतल दर्पण का उपयोग करता है। और हम लोग जो घर में जो आईना होता है, जो हम लोग कंघी करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का बना होता है। तो समझ गए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। तो मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।